सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मैं समझा नहीं। अब्दुल हमीद शायद हमारे मंसूबे को समझ गया है। और आपको ऐसा क्यों लगा जनाब करासू? फर्नांडिस को उसने महल में तलब किया है। बॉस्फोरस पर नजर रखने के लिए जो पानी वफ्त पाए तख्त आया है, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा और इसका इल्जाम रियासत पर लग जाएगा। हेक्लर ने तुम्हें गलत मालूमात दी है। बॉस्फोरस से एक मुसल्ला रूसी जहाज गुजरेगा, ये उसे साहिल पर लाकर उसकी तलाशी लेंगे। तुम अपने शुभात में ठीक थे। असल मंसूबा क्या है? फोरोसी जहाज को साहिल पर लाकर उसकी तलाशी लेना चाहते हैं। इसके जरिए वो ये साबित करेंगे कि ये जंगी जहाज है। और ये कि उस्मानी किसके हिमायती हैं? जी सुल्ताने मौसम, आपके जिंदा बचने का वाहिद तरीका ये है कि जो हम कहें आप वो करें। वो आखिर चाहते क्या है? सुल्ताने मौसम की मोहर। रूसी सफीर हूं, जहाज को फौरी तौर पर कराकोई की बंदरगाह पर ले आइए। अगर आपको जहर दिया जाता तो आप क्या करती? हम मोहर हासिल करते। जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा और आप उसकी तलाशी लेंगे, लेकिन पहले हम दोनों एक साथ सुल्तान के पास जाएंगे और इसकी तलाशी लेने के लिए कहेंगे। मैं बरतानवी सिफारत खाने के नुमाइंदे की हैसियत से आपके साथ आऊंगा। अब मुझे ये बताओ कि मेरे खिलाफ तुम्हारे अंदर ये नफरत किसने भरी? सालिया सुल्तान कैसी हैं? उन्हें बुखार है। वो खुद को बचाने के लिए बाबा से गद्दारी करने के लिए तैयार है। वो खुद ही अपने अंजाम की तैयारी कर रही हैं। अब ये जहर सालिया सुल्तान की जान ले लेगा। नाइमे सुल्तान पे उनके कत्ल का इल्जाम आएगा और आखिरकार अब्दुल हमीद तकलीफ में आ जाएगा। क्या आपने रूसी जहाज को बॉस्फोरस से गुजरने की इजाजत दी है और वो बंदरगाह पर पहुंचने वाला है? हम उसकी तलाशी लेना चाहते हैं। तो फिर हम ये एक साथ करेंगे जनाब हेक्लर। उस्मान! मेरे बच्चे, यहाँ जो होगा वो आप हमारे बाबा को बताएंगे। इस सब के बारे में हम उन्हें क्यों बताएंगे? चचा शायद हम दोनों पर यकीन ना करें, लेकिन वो आप पर यकीन करेंगे। हमारे दिल के मकीन, हमें माफ कर दे। पराए करम, हमें माफ कर दे सुल्ताने मौसम। हम आपको सच नहीं बता सके।
ही सफर का इख्तिताम है सुल्ताने मौसा। आपका साथ हमारे नसीब में ही नहीं लिखा था, हमने इस बारे में बहुत सोचा लेकिन खामोश होने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है सुल्ताने मौसम। अगर हम आपको सच बता भी दें तो भी नतीजा नहीं बदलेगा। नाइमे को आप शक की नजर से देखें, हम ऐसा नहीं होने देंगे सुल्ताने मौसम। हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। हम आपको अपनी ही बेटी को शक की निगाह से नहीं देखने देंगे सुल्ताने मौसम। हमारी दुआएं कबूल हो गई सुल्ताने मौसा, हमारी दुआएं कबूल हो गई। हम अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं जबकि हम आपके साथ हैं। हमारा रब आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, ये रियासत आप ही की क़यादत में बढ़ती रहे सुल्ताने मौसम। जापानी वफ्त जल्द अज जल्द जहाज का जायजा लेगा और वो असलहा सामने आ जाएगा। इससे साबित हो जाएगा कि ये जंगी जहाज है और मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वजह से तमाम ममालिक आप पर हमला कर देंगे। फिर आप इस सब का सामना कैसे करेंगे? अपने ईमान के साथ। इन ममालिक की अफवाज का आप अपने ईमान के साथ मुकाबला करेंगे? हमारा ईमान हमें फौजी मनसूबाबंदी, सियासत और जुरतमंदी सिखाता है जनाब हेकलर। जहाद और साबित कदमी हमारे ईमान का हिस्सा है। क्या आपको लगता है कि वो पाए तख्त आने के लिए जनक कलेश से गुजर सकते हैं? ये मुमकिनात में से है। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे जनाब फर्नांडिस।
आइए। जहाज पर बगैर तार वाले टेलीग्राफ आले के अलावा और कोई गैर मामूली चीज नहीं मिली। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हैं आप? जापानी वफ्त आपसे नाराज है, आपने उस्मानियों के साथ उनके ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। ठीक है, जनाब फर्नांडस, आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। बगैर तार वाले टेलीग्राफ आले का नमूना तो आप हमारे लिए लाने वाले थे, कवानीन की खिलाफ वर्जी की, वादा खिलाफी की आपने। जनाब हेगलर, आपने जापानियों के साथ हमारे ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। हम आपको बताते खुद नापसंदीदा शख्स का लकब देते हैं और हम चाहते हैं कि आप अभी और इसी वक्त हमारी सरजमीन से निकल जाएं। इन दोनों को गिरफ्तार कर लीजिए। मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है, ये कैसे किया और असलहा कहां गया? असलहे को बहरी जहाज से उतार कर जमीनी रास्ते से यूनानी बंदरगाह पर भेज दिया गया और बाद में जहाज पर सवार कर दिया जाएगा। यानी बास्पोरस से गुजरने वाला जहाज जंगी जहाज नहीं बल्कि तिजारती जहाज था। बाकी बातें जानना आपके लिए जरूरी नहीं। जनाब हेगलर, अब आप वापस बर्तानिया जाएं और अपने दोस्तों को बता दें कि आपको कैसे शिकस्त का सामना हुआ, क्योंकि आपको शिकस्त हुई है। जनाब हेगलर, ले जाइए। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह हजरत, अल्लाह का शुक्र है हम हेगलर की पैदा करदा मुश्किलात से बच गए। ज्यादा अहम बात यह है पाशा कि रूसी बहरी जहाज को गुजरने की इजाजत देकर हमने क्रिम में अपने भाइयों को बचा लिया। अल्लाह आपसे राजी हो, रूसी अब क्रिम तुर्कों के साथ नरमी से पेश आएंगे सुल्ताने मौसम। यकीनन पाशा, हमने उनसे जो वादा किया वो पूरा कर दिया। अब जो वादा उन्होंने हमसे किया है उसकी तकमील की बारी है। सुल्ताने मौसम, बर्तानिया को रूसी जहाजों की गुजरगाह के बारे में मालूम है, वो आसानी से जाने नहीं देंगे। वो जाने देंगे पाशा, इस मामले में मजीद कोई बात परेशान कुन नहीं है। एक सुबह बोलू पहाड़ का जांबाज कुरगलू बेदार हुआ। वो अपने घोड़े पर शहर जाना चाहता था लेकिन उसे अपना घोड़ा नहीं मिला। क्या उसके लिए उसके घोड़े से ज्यादा अहम कोई चीज हो सकती थी? उसे अपना घोड़ा तलाश करते हुए कई महीने गुजर गए। एक दिन यह खबर आई कि फातेह के बाजार में एक घोड़ा उसके घोड़े से मिलता जुलता मौजूद है, तो उसने ये सुनकर इस्तांबुल का सफर शुरू कर दिया। वो घोड़ों की मंडी पहुंचा, उसकी नजर अपने घोड़े पर थी। घोड़े ने उसकी तरफ देखा और उसने घोड़े की तरफ देखा। वो बादल और बारिश के मानिंद थे। उन्होंने बिजली की रफ्तार से बाजार को छोड़ दिया। बेचने वाला उनके पीछे गया। वो नीचे चट्टान के सिर तक चला गया था। उसने देखा कि वो और उसका घोड़ा कश्ती पर सवार होकर इस कुदार जा रहे हैं। मुख्तसर ये कि पाशा हजरत, वो शख्स घोड़े समेत इस कुदार चला गया। रूस के जहाज की क्या सूरत हाल है पाशा?
उन्होंने इसको दार और बॉस्फोरस के जरिए तेजी से काम किया। आपने देखा वजीर आजम साहब, वो शख्स जिसके पास घोड़ा था वो पहले ही स्कूटर चला गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जानते हैं और इसे साबित कर सकते हैं। बर्तानिया असलहे की मुंतकली से आगा है, लेकिन वो उस जगह से लाइल्म है जहां हथियारों का जखीरा होगा। सुल्तान मौजम, जो बहरी बेड़े बॉस्फोरस से गुजरे हैं, क्या उनमें असलहा नहीं है? नहीं पाशा, असलहा पहले ही निकाल लिया गया है। वो यूनान की बंदरगाह से जमीनी रास्ते के जरिए पहुँचाया जाएगा। जो जहाज बॉस्फोरस से गुजरा है वो तिजारती जहाज है। उसके बाद जहाज पर दोबारा असलहा लाद दिया जाएगा। फर्नांडिस साहब इस मामले में मुलव्वस हैं। बिल्कुल पाशा, हमने उन्हें बगैर तार वाले टेलीग्राफ लाने की इजाजत दी थी, मगर वो अपनी हद से बहुत आगे निकल गए। उन्होंने रियासत के साथ अपनी गद्दारी को आया कर दिया। हमारे साथ उनका जो माहिदा था वो हमने मनसूख कर दिया। अब इस हवाले से हमारे किए जाने वाले इकदाम के दस्तावेजात आपको तहसीन पाशा मुहैया कर देंगे। तुम जल्दी वापस आ गए हो। अब्दुल हमीद ने हैकलर को बर्तानिया भेज दिया है। उसने हमारे सारे मंसूबे खाक में मिला दिए हैं। हम लम्हा ब लम्हा हर रोज उससे हार रहे हैं। उसके खिलाफ हमारा हर मंसूबा नाकाम जाता है। बर्तानिया की हिमायत हासिल करने के लिए हम अब्दुल हमीद के खिलाफ मंसूबा बंदी कर रहे थे कि अब्दुल हमीद ने बर्तानिया के सबसे अहम बंदे को यहां से निकलवा दिया। शिकस्त हुई है हमें, हम हार गए। और न सिर्फ जनाब हैकलर को बल्कि हमारे भाई फर्नांडिस को भी यहां से रवाना किया जा चुका है। जनाब हैकलर, जनाब हैकलर, यहां क्या कर रहे हो तुम? मैं आपको बचाने आया हूं, तैयारी करें। आप ऐसे क्यों बैठे हैं? मेरी जंग खत्म हो चुकी है। मालूम हुआ आपने एक तस्वीर बनाई है जिसमें आपने सुल्तान का इख्तिताम बनाया है। क्या अब आप अपना मुसव्वरी का कलम फेंकने वाले हैं? आप यहां से चले जाएंगे तो यह सब कौन करेगा? कहा ना मेरी जंग खत्म हो गई। नहीं, बल्कि हमला करने का वक्त आ गया है। हम सख्त तरीन इकदाम करके उन पर हमला करेंगे जनाब हैकलर। तो क्या हार मान ले हम? हाँ, हार मान ले क्या? सब कुछ ऐसे ही छोड़कर पीछे हट जाए? इंतकाम कौन लेगा फिर? और हमारे ख्वाब का क्या होगा? करासु, क्या आपने आजादी का ख्वाब नहीं देखा था? और आप सलीम पाशा, क्या आपने यूं ही सबको अपने खिलाफ कर लिया? मिहाई, अब्दुल हमीद आप तक नहीं पहुंच सकता यह लगता है आपको? तो जान लीजिए गलतफहमी है आपकी। अगर हमने ये जंग छोड़ दी तो अब्दुल हमीद हम सबको बर्बाद कर देगा। हमारे लिए इस जंग का जारी रखना क्यों जरूरी है जानते हैं? क्योंकि अगर आज हम इस जंग से दस्तबरदार हो गए तो हमारा खात्मा अब्दुल हमीद के जिंदान में होगा। तो हम क्या करें सबाहद्दीन? आखिर क्या करें हम? कोई ताकत है हमारे पास? मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, करासू, हम पीछे नहीं हटेंगे।
हार नहीं मानेंगे हम। आजादी का ख्वाब देखने वाले जवान आजादी का सूरज तुलू होने के मुंतजर हैं। सबसे ज्यादा अफसोस तो उन पर है, ऐसा लगता है कि हमने उनसे मुंह मोड़ लिया है। अफसोस है। रुको जरा, तुम्हारा मंसूबा क्या है? मैंने कश्ती का इंतजाम किया है ले जाने के लिए आपको, हमें जल्दी निकलना होगा। तो फिर जनाब फर्नांडिस को भी साथ लेकर जाना होगा। यह मुमकिन नहीं है, मैंने सिर्फ आपके लिए कश्तीबान को मनाया था, किसी तीसरे को देखेगा तो वो इंकार कर देगा। वैसे सैलानिक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? सैलानिक तो करीबी है, मगर हम वहां क्यों जा रहे हैं? वो तस्वीर कहां पर है? वो पाए तख्त में है। ठीक है, फिर वहीं चलते हैं हम। पहले सैलानिक। ठीक है, मैं आपके अहकाम पहुंचा दूंगा सुल्तान मौसम। ठीक है पाशा, आइए इस्माइल अख्ती साहब, खुश आमदीद। सुल्तान मौसम, हमें शहजादा अहमद नूरी साहब की तरफ से खबर मौसूल हुई है, उन्होंने मुझसे राब्ता किया और कहा वो आपसे राब्ता नहीं कर सकते। उन्होंने एक मंसूबे के बारे में जिक्र किया। कैसा मंसूबा? उन्होंने हैकलर की बनाई गई तस्वीर का जिक्र किया। मालूम है हमें सुल्तान मौजम, इसीलिए वो उसे जहाज से उतार रहे हैं। क्या अहमद नूरी साहब जहाज में? माशाल्लाह कितने काबिल शख्स हैं, उन्होंने इसे अधूरा नहीं छोड़ा। बिल्कुल पाशा, लेकिन हम पहले उस खबर पर बात कर लेते हैं जो भेजी है उन्होंने। काश कि उन्होंने हमसे इस बारे में पूछ लिया होता। सुल्तान मौजम, शायद उन्हें आपसे बात करने का मौका ना मिला हो। इसके अलावा और क्या कहा उन्होंने? सुल्तान मौजम, उन्होंने कहा कि वो आपसे खुसूसी खुफिया टेलीग्राम के जरिए राब्ता करेंगे। ठीक है, सालिया सुल्तान की सेहत बहाल नहीं हो रही, अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? हम बहुत परेशान हैं आलिया, हमारे दरमियान ये तो तय नहीं हुआ, तो उन्हें बस थोड़ी सी थकावट महसूस होनी थी। हमें मालूम है, बल्कि हम खुद इस पर हैरान हैं। हो सकता है कि उस दवा की वजह से ही उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई हो, उन्होंने बताया था कि वो कमजोर हैं। तबीबों को उनके साथ होना चाहिए, अगर उनको कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे आलिया? हमें फौरन जाना होगा। कहाँ जा रही हैं? हम ये पूछने जा रहे हैं कि जिस दवा ने सालिया सुल्तान को मुतासर किया है, अब उसका इलाज कैसे मुमकिन है? आप इस वक्त नहीं जा सकती, अगर किसी ने आपको देख लिया तो हमारी सूरत हाल मशकूक हो जाएगी। फिर हम सुबह महल से जाएंगे, हमारी बाजी को मसरूफ रखिएगा, ठीक है? उन्हें इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। फातिमा वैसे भी सालिया सुल्तान के साथ है, तन्हा नहीं छोड़ेगी उन्हें। हमारा एक ख्वाब है पाशा हजरत, और वो ख्वाब अभी तक शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है। अब तक ये ख्वाब है, लेकिन वक्त आ गया है कि इस ख्वाब को अब हकीकत में बदल दिया जाए। हम चाहते हैं कि दीवाने उमूमिया के कर्ज की अदायगी जल्द अज जल्द कर दी जाए। सुल्तान मौजम, क्या हमारी जिंदगी हमें यह देखने का मौका देगी? हम तो क्या, हमारी औलाद भी ये ना देख पाएगी। अगर दुश्मन हमारी राह में रुकावटें खड़ी ना करें तो ये बिल्कुल मुमकिन है तहसीन पाशा। पाशा हजरात, आप तो जानते हैं कि दीवाने उमूमिया नाम का इदारा सुल्तान मौसम की हुकूमत से पहले लिए गए भारी कर्जों की बुनियाद पर कायम किया गया था। जब से ये दीवाने उमूमिया कायम हुआ है, हमारे कर्जों की ज्यादा दुरुस्तगी से निगरानी की गई है, आमदनी के जखायर का तखमीना लगाया जाता है और बहुत ही मौसर तरीके से इसका हल तलाश किया जाता है। आखिर में तमाम जमा होने वाली आमदन कर्ज दहिंदगान को जिम्मेदारी से अदा कर दी जाती है। मुख्तसर ये कि इस मंसूबा बंदी पर अमल दरामद करने के बाद हम बैनुल अक्वामी कर्ज अदा करने के काबिल हो जाएंगे।
जब दीवाने उमूमिया कायम हुआ था उस वक्त कर्ज कितना था? 25 करोड़ 20 लाख था। दुरुस्त, लेकिन दीवाने उमूमिया के कयाम के फौरन बाद हमने आधा कर्ज लौटा दिया था, जिसके बाद रकम कम होकर 12 करोड़ 50 लाख रह गई थी। अब कितना कर्ज है पाशा? हमारा कर्ज 12 करोड़ 50 लाख से 7 करोड़ 50 लाख हो गया है। जैसा कि आप सब ने सुना कि हम कर्ज की कतई रकम अदा कर चुके हैं। माशाल्लाह सुल्तान मौसम, माशाल्लाह। लगता था आने वाली नस्ल ही कर्ज की अदायगी को होते देख पाएंगी, लेकिन अगर जिंदगी ने वफा की तो हम भी देख सकेंगे। इंशाल्लाह पाशा, इंशाल्लाह। पाशा हजरत, हम ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द बकाया कर्जा भी अदा कर दिया जाए। इस काम के लिए जरूरी है कि हम बहसियत कौम मिलकर अपनी अपनी जगह मेहनत करें। सुल्तान मौज़म, कर्ज काफी कम हो चुका है, लेकिन हम इतनी थोड़ी मुद्दत में इतनी बड़ी रकम कैसे अदा कर सकते हैं? लाजमी आपके पास मंसूबा होगा। बिल्कुल है पाशा, लेकिन फिलहाल हम आप सबको इत्तला देना चाहते हैं कि हम जल्द अज जल्द इस कर्ज के अजाब से जान छुड़ा लेंगे। तंबाकू और बंदरगाह की आमदन को दीवाने उमूमिया के कर्ज की अदायगी के बाद रियासत के खजाने में जमा किया जाएगा। दीवाने उमूमिया सिर्फ कर्जों के अहकामात के हवाले से नहीं, बल्कि यूरोप में मौजूद ममालिक के साथ तवाजुन की बुनियाद कायम करने के लिए भी अहम है। ये तवाजुन हमने ही कायम किया है पाशा, और आने वाले वक्त में भी ये हम ही करेंगे अल्लाह के हुक्म से। ये लीजिए, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है। अच्छा तो आप जाइए, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। क्या ये काबिले भरोसा है? ये भरोसे के काबिल बिल्कुल नहीं है। आइए तशरीफ रखिए। मेरा नाम तलहत है, सेलानिक के डाकखाने में कातिब हूं मैं। क्या आप यहां रहते हैं? जी बिल्कुल। इंसान के लिए घर का होना, खानदान का होना बेशक किसी नेमत से कम नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि दरअसल ये रिश्ते ही पैरों की जंजीरें बन जाते हैं, खास तौर पर उस शख्स के लिए जो अपनी रियासत की खिदमत कर सकता है। इस जगह की वजह से मैं हमेशा अपनी रियासत की खिदमत के लिए फराइज सर अंजाम देता हूं। आप रियासत की अहमियत से वाकिफ हैं, तजस्सुस के लिए माजरत चाहता हूं। क्या रियासत भी आपकी अहमियत से आगा है? मैं और मेरे जैसे लोगों के लिए रियासत माँ और बाप की तरह होती है, और रियासत हमेशा अपने बच्चों की हिफाजत करती है और उन्हें तनहा नहीं छोड़ती। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर अब्दुल हमीद रियासत के लिए एक मसला है। सुल्तान मौसम, हमारी रियासत के कई पेचीदा मसाइल संभाले हुए हैं, हमें उम्मीद है कि मंजिल का इख्तिताम पुरसुकून होगा। अल्लाह हमारी मदद करे। आमीन आमीन। और आपका तारुफ? मैं रशीद, मुझे खबरी भी कहा जाता है, बस इतना ही है। सुल्तान मौसम, आपने क्या सोचा है? इतने मुख्तसर वक्त में इतना कर्जा कैसे उतारेंगे? पाशा, हम 4 साल से इन 3 मईशतदानों के साथ इस मामले पर काम कर रहे हैं, ये हमारी रहनुमाई करेंगे। उनका क्या कहना है सुल्तान मौसम? उनका कहना है कि बाजार में नए सरकारी बॉन्ड जारी करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। पुराने बॉन्ड मंसूख करके नए बॉन्ड जारी किए जाएंगे, और इसके बदले में दीवाने उमूमिया कर्जों को माफ कर देगा और शरह सूद में कमी आएगी। बाकी तफसीलात की वजाहत वो खुद आकर करेंगे। मैं समझ गया।
दीवाने उमूमिया के इस मसले ने आजकल हमारी नींद उड़ा रखी है पाशा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कर्ज एक अजाब है, इससे जितना जल्द जान छूट जाए बेहतर है। जब तक हम रियासत का कर्ज नहीं उतार देते, यह अजाब हमें बेचैन रखेगा। सुल्तान मौसम, इसमें से तो ज्यादातर कर्ज आपसे पहले की हुकूमतों में लिया गया था, तो फिर आप इसके बारे में परेशान क्यों हैं? क्या हम अपने पिछलों का हिसाब पूरा किए बगैर आगे बढ़ सकते हैं पाशा? जी नहीं बढ़ सकते। बस यही सबब है। वो कर्ज बेशक हमने नहीं लिया, मगर उसे अदा करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। चूंकि वो कर्ज अब हमारे कंधों पर है, इसलिए परेशानी भी हमारे लिए है। सुल्तान मौसम, क्या अवाम में रियासत के बॉन्ड की मांग होगी? बिल्कुल पाशा, हम पर सिर्फ बैरूनी कर्ज नहीं है, बल्कि रियासत ने गालाता बैंक से भी कर्ज लिया है और उन ताजिरों से भी कर्ज ले रखा है जिनके साथ तिजारत की गई। रेलवे की तामीर और ज़रात की तौसी के लिए इसके अलावा भी बहुत से अखराजात थे। मकातब बनाए गए, अस्पताल तामीर हुए, मगर ज़रात की पैदावार से हमें काफी मुनाफा भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त के साथ और भी मुनाफा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सुल्तान मौसम। आलमी सतह पर हमारी बरामदात का एतबार बढ़ने से उनकी कीमत में भी इजाफा होगा। जिन लोगों से हमने कर्ज लिए थे वो अब हमारी तरफ देख रहे हैं पाशा, इसी वजह से हमें इस बॉन्ड वाले मसले को अच्छी तरह जल्द अज जल्द निपटाने की जरूरत है। जी मैं समझ गया सुल्तान मौसम। जनाब हेकलर, हमें लगा कि इस वक्त आप बहरी जहाज पर होंगे। हाँ वही था, लेकिन कुछ काम अधूरे रह गए थे, बस उन्हें ही पूरा करने आया हूँ। महल से खबर आई है, अब्दुल हमीद ने कर्ज की तमाम रकम अदा करने का फैसला कर लिया है। दीवाने अमूमिया से निजात पाने की कोशिश है। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि सल्तनत उस्मानिया अगर अपने पांव पर खड़ी है तो अब्दुल हमीद के अबा उस्ताद अब्दुल मजीद और फिर अब्दुल अजीज के जमाने में लिए गए कर्जों की वजह से खड़ी है। यानी बड़ी रियासतें उस्मानियों के साथ कर्जे की बुनियाद पर ही ताल्लुक इस्तवार कर रही हैं, और वो इसी वजह से हमेशा खामोश रहते हैं। अगर अब्दुल हमीद ने ऐसा कर दिया, यानी दीवाने उमूमिया के तमाम कर्जों से जान छुड़ा ली, तो फिर उस्मानियों का मुस्तकबिल देखने वाला होगा। जर्मनी की तरह एक नए दौर में दाखिल हो जाएंगे वो। मेरे ख्याल से तो अब हमारी तंजीम का कोई भी मकसद नहीं रहा, क्योंकि उस्मानी अपने गिर्द हमारी लपेटी गई जंजीरें तोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी ही तो सबसे ज्यादा जरूरत है। बर्तानिया ने बतौर हुकूमत मुसलसल दखल अंदाजी की, लेकिन अगर अब उन्हें मालूम हो जाए कि अब्दुल हमीद कर्ज अदा करना चाहता है तो शाही खानदान कोई कदम जरूर उठाएगा, बल्कि बादशाह खुद को इख्तिताम करना चाहेंगे। और मेरा ख्याल है कि वो काबिले भरोसा शख्स को पाए तख्त भेजेंगे। किसे भेजेंगे वो लोग जनाब हेकलर? उसका नाम है कासल। जरा रुकिए, मैं भी आता हूं। जनाब, उस्मानिया महल में हमारा एक खबरी मौजूद है जिसकी तरफ से हमें एक अहम खबर मौसूल हुई है। तुर्क सुल्तान ने कर्ज अदा करने का फैसला कर लिया है। तुम खेल खेलना तो जानते हो ना? जी बिल्कुल जनाब। अच्छा है, जाओ जाकर कसल साहब की जगह पर खेलो, और कसल साहब अब कुस्तनतुनिया में अपना खेल खेलेंगे। जनाब कसल। वक्त ज़ाया किए बगैर कसिल साहब को इनके नए अहदे पर फाइज किया जाए। हम अपने खेल को दोबारा वहीं से शुरू करेंगे।
कौन है वो? वो जिसे पहले मिस्र भेजा गया था, बादशाह का जवानी का दोस्त है, बैंकर है, जर्मनी के बादशाह का मुशीर खजाना रह चुका है, दूसरे मुल्कों में जाता है, यही जाहिर करवाता है कि वो तिजारत करने आया है, लेकिन वापस जाते हुए उस मुल्क को इस तरह के कर्जों में डुबो कर जाता है कि वो चाह कर भी उन कर्जों से कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो अब आप क्या करने वाले हैं और हमें क्या करना होगा? क्या वो हमारे साथ काम करेगा? सोचें कि अब्दुल हमीद के इस मंसूबे को कैसे तबाह करना है। इस तरह आप कसल के काम को आसान करके अपनी हैसियत का मुजाहिरा करेंगे और मैं अब्दुल हमीद को तख्त से हटाने वाले ग्रोह से मुलाकात करूंगा। बादशाह को खेल का आदी बना देना बर्तानिया के लिए आपकी सबसे अजीम खिदमत है जनाब। और इस तरह आपके लिए मामला संभालना ज्यादा आसान हो जाता है ना? लेकिन फिर भी बादशाह ही इस बात का फैसला करते हैं कि इस खेल का हिस्सा कौन बनेगा। मेरी जगह पर यह खेल आप खेलेंगे। परेशान ना हो, मैं आपको इस खेल के उसूल बता देता हूं अभी। कौन से उसूल? यही कि बादशाह हमेशा जीतता है। बादशाह को जितवाने के लिए ही पायतख्त भेजा जा रहा है आपको, और जैसा कि आपने मिस्र में किया था, आपका पहला हदफ उनको मुआशी तौर पर अपना सीर बनाना है। सुल्तान अब्दुल हमीद अपना कर्ज अदा करने का सोच रहा है। बादशाह एडवर्ड का जवानी का एक खास दोस्त, उनका हमराज जर्मन बादशाह विलहम का मुआशी मुशीर अब उस्मानियों को उनके कर्ज से निजात देने जा रहा है। लेकिन आपका असल मकसद उस्मानियों को नए आलमी निजाम के लिए तैयार करना है। कौन लोग हैं इस ग्रुप में? सुल्तान मौसम, सबसे अहम शख्स अर्नेस्ट कसल है। ये दरअसल जर्मनी के बादशाह का मुआशी मुशीर भी है। मैं सब समझ गई। मैं सब जाके सुल्तान मौसम को बता दूंगी। इमसाल खान पर रुकिए। क्या तुमने वाकई सालिया सुल्तान को जहर दिया है? मुझे ये जानने का हक है। इस्तेफानो, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो सच बताओ। और हाँ, जहाज पर मुझे एक नौजवान ने बचाया और वापस लाया। शायद वो अब्दुल हमीद के लिए काम करता है। वो भी इन बाकी लोगों के नाम जानना चाहता था। मैंने उसका राज मालूम कर लिया है। वो शाही खानदान का फर्द है। आपको यकीन है क्या? आपको ये कैसे मालूम हुआ? हमारी वालिदा ने अब्दुल कादिर को बचाने के लिए वापस गद्दारी की और महल छोड़ दिया। तो हमने सोचा कि सालिया सुल्तान भी कुछ ऐसा करें तो वो भी महल से जा सकती हैं। आप अपने हवास में नहीं हैं।